हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। गांधीनगर थाने की टीम ने तीन जुआरियों को पुराने सिलमपुर के रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया। सहरसा जिला के DCP रोहित मीना ने रविवार की दोपहर 12:16 पर मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि गांधीनगर थाने के SHO कम ACP भगवती प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम जिसमें ASI अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल सरवन, हेड कांस्टेबल कपिल और हेड कांस्टेबल रवि थे, जो कि क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पुराना सिलपुर के रेलवे लाइन के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस टीम गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुराना सिलमपुर के रेलवे लाइन के पास पहुंची, जहां 5-6 लोग जुआ खेल रहे थे, मगर उनमें से कुछ लोग भाग गए, जिनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1960 रुपए नगद बरामद हुए, जिसके बाद मामला दर्ज किया, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 177/23 धारा 12 जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। आरोपियों की पहचान, पहला सुंदर कुमार सनोप हरबीर रहने वाला झुग्गी मकान नंबर 38 गली नंबर 8 नियर गोल बैठक ओल्ड सिलमपुर का, इसकी उम्र 38 वर्ष है। दूसरे का नाम कैलाश सनोप भरतूराम रहने वाला झुग्गी नंबर 84 ओल्ड सिलमपुर का, इसकी उम्र 28 साल। छठा अरुण कुमार सनोप बाबूराम रहने वाला झुग्गी नंबर 43 गली नंबर 8 ओल्ड सिलमपुर का है। इन तीनों जुआरियों से की जा रही है पूछताछ।